हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटरव्यू लायंस। मैं आपका दोस्त संदीप और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। बिफोर दिस गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को देखना चाहते हो हमारे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली उन सबके साथ शेयर करें जितना भी मर्जी। तो गाइस, एक बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जाती है, लेकिन ये जो मोहब्बतें हैं वो ख़त्म नहीं होती है, बढ़ती जाती है। तो गाइस, जो आज मेरा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये वीडियो थोड़ा सा लॉजिकल भी होगा। आज मैंने काफ़ी मेहनत सी इस चीज़ को, मैंने सोच के काफ़ी सोचा है कि कैसे करूँगा मैं इस वीडियो को, क्योंकि हमेशा की लड़ाइयाँ जो होती है पति पत्नी में, नोकझोंक वो प्यार मोहब्बत वाली होती है, लेकिन आज जो मेरी नोकझोंक होगी वो रियली इंटरेस्टिंग होने वाली है, एकदम अलग होने वाली है, सस्पेंस से फुल ऑफ थ्रिलर रहेगा, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। आप सोचोगे कि ये अचानक हो कैसे गया। यस गाइस, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ बता दूँ, लेकिन नहीं बताऊँगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपके पास फिर उसके बाद कुछ सजेशंस आते हैं, कुछ नए टॉपिक्स आते हैं, तो प्लीज़ बताएं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अभी ये देवी जी आएंगी और होगा कांड, महाकांड। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सोना नहीं है, 12 बज गए, चलिए सोने चलते हैं। हाँ, तुम बड़ी सोनी हो, मैं सोनी। अरे क्यों मार रहे हैं? अरे कुछ नहीं, टीवी का चैनल चेंज कर। क्यों? रिमोट तो आपके पास, आप चेंज करिए ना। मतलब एक काम बता दीजिए, दिन भर काम करके आओ तब कुछ नहीं है। हाँ, रिमोट रखा हुआ है तो चैनल ही चेंज कर सकते हैं। देखिए मैं करती हूँ। अरे तो तुम वो वाला उठाओ ना, वॉल्यूम वाला। अच्छा, इससे कहाँ चेंज होता है, वो वाला दीजिए ना आपके बगल में। आपके व्यंजनों को और भी अधिक। हाँ, जब देखो खाना, मतलब कुछ भी लगाओगी तो खाने से रिलेटेड ही लगाओगी। तुम पति के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है ना, इसीलिए तो खाना देख रही हूँ, तभी लगकर अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट बनाओ। हाँ, बड़ा राज पता चलते हैं आजकल तुमको। आज खाना अच्छा नहीं लगा क्या? दिमाग खराब है आपका? बकवास। अच्छा लग रहा हूँ। नहीं, सारे दिन खाना होता अपने पसंद के, जितने दिन बनते हैं, मंडे टू सैटरडे, संडे तो। आज तो आपकी पसंद का बनाया था, क्यों झूठ बोल रहे हैं? है बस, दिमाग खराब। अरे भगवान, पता है मतलब मुझे एक चीज लगता है, आपसे पूछ के ही सही ना यार, मैंने सुन लिया। आपसे पूछ के ही खाना बनाया। पकड़ मत करो, जब देखो। अच्छा से बात नहीं कर सकते यार? नहीं, बात कर सकते हो, पहले मेरी बात सुन लिया करो। मेरी बात अगर कोई काटता तो मुझे समझ में नहीं आता क्या करूँ। चोटी पकड़ के गाड़ दू, धुनाई कर दू मैं सबका गाड़। ये बेचारे सब सो रहे होंगे ना, तो उनके अंदर घुसते हुए निकलूंगी नीचे से। ठीक है, सबकी नींद खुल जाए। कितना तुम्हारे खाने का, मैं देखता हूँ कि कितना ऑयल डालती है यार, रोज का रोज ऑयल कभी खाने पे, और उसके बाद इतना सारा सामान आता है, मुझे समझ में नहीं आता, सारा किराना सारा सब कुछ महीने भर में सब एक बार में चट कर जाती हूँ। आप और आपके बेटे तो फूल सूंघते हैं। अरे लेकिन फिर भी यार, मतलब इतना सामान थोड़ी कोई खरीदता किराने में दो लोगों में। खाता कौन है? एलमंड आपको चाहिए होते हैं, काजू आपको चाहिए होता है, किशमिश आपको चाहिए होता है, ब्रेड बटर आप खाते हैं, घी के बिना आप खाना नहीं खाते हैं, राइस तो आपको बासमती चाहिए, और सब्जी एकदम तेल में फ्राई वाली चाहिए, बॉयल सब्जियां तो आप खाते नहीं। तो
A few moments later. अच्छा मैं वही सोच रहा हूँ कि तुम्हारे महीने का किराना अगर वो हिसाब करे अगर कोई तो मतलब किसी 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 के क्या बोलते हैं उसको मतलब पूरा शॉपिंग किराना सब कुछ मिला के आदमी बाहर घूमने फिरने का खर्चा निकला है किसी का साल में कई बार था एक बार दो बार तो निकली है oh, no. क्या कहा आपने फिर दो चीजें लेके सौ चीजें आती तो मेरे पास 20 बीवियां थोड़ी है मेरे पास तो एक ही बीवी है ना तो दो एक ही बीवी सामान 100-100 सामान लेके आती पता है आपको मैं तो कम खर्चे करती हूँ आपसे फिर भी आप बोल रहे हैं मतलब आपसे बिना पूछे कभी कभी सामान लिया है सारा सामान लेती हूँ आपसे पूछ के ये लेना खाने से पहनने की चीजें हर एक चीज आपसे पूछ के लेती हूँ अकेले तो कभी जाती नहीं शॉपिंग करने नहीं मुझे लगता है जैसे आजकल कोविड का ड्राई रन चल रहा है ना कोविड वैक्सीन का हर चीजों का तो ऐसे शादी से पहले ड्राई रन होना चाहिए कि हाँ बराबर सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये बीवी मतलब सामने वाले के साथ रह लेगी कि नहीं रह लेगी ऐसे में तो मतलब बांध दो गले बस घूमते रहो नहीं तो इसको ज्यादा क्या बोलते हैं यार तुम समझा मतलब खाना नहीं अच्छा लगा तो ऐसा सिर पे चढ़ जाएंगे क्या ऐसा बोलेंगे देखो खाने की बात नहीं खाना आज की बात नहीं हमेशा ऐसा होता है खाना हमेशा बुरा बनाती हूँ मैं अरे कभी कभी अच्छा बनता है जब लोग आते हैं जब मतलब रिश्तेदार आते हैं या कोई मतलब फ्रेंड फैमिली आता है तब आता है ढंग का खाना बनता है बाकी तो वो मैं तो हमेशा अच्छा खाना बनाती हूँ ऐसा तो कभी नहीं हुआ आज का भी खाना तो आपको बड़ा अच्छा लगा था क्यों जबरदस्ती में ऐसे लड़ रहे हैं देखो एक बात बताओ तुमको समझ में आता है तो ठीक है नहीं समझ में आती तो मुझे फालतू पटर पटर करने का शौक नहीं तो oh, no. तो मैं तो आपसे कुछ बोल ही नहीं रही हूँ मैं कितने प्यार से बात कर रही हूँ इसको प्यार से बोलते ना यार मतलब तुम हर चीज मतलब साल भर की सेविंग इंसान की एक महीने में मतलब किराना है उसके बाद शॉपिंग करने जाए अमेज़न का बिल ही इतना आ जाता है समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है ये तुमको तो फिर मतलब क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट होना चाहिए मुझे फिर मैंने मना किया अरे तो तुम मैंने बोला कि पैसे मत कमाइए जाके अरे तो इतना पैसे आदमी गरीब आदमी हूँ यार मैं थोड़ा जेब पॉकेट का भी ध्यान रखना चाहिए ना तो जितना पॉकेट उतने ही खर्चे करती हूँ उससे ज्यादा कहाँ करती हूँ मैं तुम जितना चोटी हिला हिला बात करो लगता है उखाड़ दू मुड़पक्का कर दू ऐसे बात कर रहे हैं क्यों जबरदस्ती का लड़ रहे हैं मेरे से मैंने क्या किया आपको क्या आप कुछ बोला है तुम्हें पता लाइफ में तुम्हारे साथ तुम्हारी मम्मी रह गई तुम्हारी फैमिली उसके अलावा तुमको दुनिया में तुम्हारी मम्मी के अलावा दूसरा शख्स मैं मिला था जो तुमको झेल रहा हूँ लाइफ में कोई इंसान तुमको झेल ही नहीं सकता तो पति ने झेलते बीवियों को कि पड़ोसी आगे झेलेंगे भगवान ने भी क्या जोड़ी बनाई है सच में मतलब मुझे सोच के ही मिलाया है कि यही लड़की चाहिए मुझे नाक देखी अपनी मुझे ऐसा लगा करता कि मतलब सही आपसे थोड़ी सी छोटी है ठीक है अरे तो आपने अपनी नहीं देखी इतनी बड़ी थोड़ी होती दो दो टाइम लड़कों की नाक इतनी बड़ी थोड़ी ना होती जितनी बड़ी इतनी इतनी बड़ी मैं दिखाऊंगा इतने सारे लड़के मतलब दो गाड़ियां एक साथ बुझ जाती मैं भी दिखा दूंगी आपको लड़कियां लड़कियां क्यों देखूं मैं मुझे तो कभी कभी पता क्या जी में आता है कि तुम्हारे साथ लाइफ बिताने से अच्छा रोज पक पक कर कर फक 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 मतलब बिंड की तरह बजने से अच्छा है एक दिन मतलब छुटकारा पा लेती मतलब साथ में नहीं रह सकते हम दोनों तो कहाँ जा रहे हैं जाइए हम दोनों के थॉट्स इतने अलग हैं अरे तो निकलिए मैं बोल तो रही छुटकारा मिल ले लीजिए जाइए जहाँ जाना हो आपको मतलब हद है यार माँ बाप ने शादी क्या कर दी तो ऐसा मतलब कॉपी राइट ही बना लिया मतलब ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते यहाँ नहीं जा सकते अंडे खा नहीं सकते सबसे बड़ी बात दुनिया अंडे खा खा के मरी जाती है मतलब उसको ब्राह्मण पैदा होने का कोई मतलब है जब अंडे मुर्गे बकरे ये सब खाना है बजाते आप सुबह सब नहीं बजाते और जब भगवान जी की घंटी बजाते तो ये सब नहीं खाना चाहिए मेरे घर पे कोई नहीं खाता इसलिए मैं नहीं खाने दूंगी सीधी सी बात मुसलमान कौन करता है इतना मतलब अरे तो घंटी बजाते समझ थोड़ी कोई अंडे खाएगा तो मतलब घर पे आके घंटी बजाओ बाहर जाके कुछ भी खाओ नहीं मुझे नहीं पसंद सीधी सी बात नहीं पसंद तो नहीं पसंद मैंने आपको पहले ही बोला मैं बता रहा हूँ कल से तो आराम से अपने मन का खाना अपने मन का सोना अपने मन का सब स्टाइल से जो भी लाइफ जीनी है तो जीऊंगा कुछ कोई मतलब नहीं तुमको अपना अपना काम करते हैं ठीक है तुमको आप तो अपना ही काम करते हैं छोटी बातों को छोटी सी बातों को इतना बड़ा बात बना देती हो ना ये सामने वाला मतलब पक जाए मतलब सामने वाला तुम्हारे साथ कभी रह ही ना पाए
2 मिनट सूरत देख के हाँ बड़ी अच्छी लगी होगी, देखो सीधी साधी कितनी दिखती है, लेकिन पास में आओ समझ में आए 2 मिनट बात कर रहे हो ऐसा लगता है जूते मारी है। पर आप तो बड़े दूध के दूल्हे दिख रहे हैं मुझे, जबरदस्ती लड़े जा रहे हैं मतलब मेरे से। मैं कर क्या रही हूँ, मैं कितने अच्छे से काम वाम करके आई, यहाँ पे बैठी आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। तो काम वाली भी लगाई जितना काम करती, तो बड़ा काम करके दिखाती हूँ, सारा काम तो काम वाली कर जाती, तुम क्या करती हो? कितना काम करती काम वाली? एक दिन आप काम कर, एक दिन रुक जाइए, घर का पूरा काम करिए, फिर मैं देखती हूँ घर पे कितने काम होते, बच्चा संभालना, खाना बनाना। इतना करती ना घर में, उससे ज्यादा पति करते हैं बेचारे, वो दुनिया भर के टेंशन, तुमको तो सिर्फ एक घर देखना है, तो दुनिया देखनी है, इतने सारे लोगों को टैकल करना होता है, पैसे कमाना मजाक में बात है क्या? तो आप पति है तो करेंगे ना। हाँ तो तुम पत्नी हो तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जब देखो तो पॉक पॉक करो, कभी कभी आने के बाद कभी पाँव दबाई हो, मैं दबाई हो तुम, मतलब बोलता हूँ हाथ दर्द होता है, डर लगता है कि बोलूंगा तो 2-10 बात सुना देगी। सोचना पड़ता है यार, मतलब सोच रहा हूँ कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना पूरा 3-4 साल निकाल दिए लाइफ के, ये सोच के कि अब तुम सुधरोगी, अब सुधरोगी, लेकिन रास्ता कैसा करोगी? अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि भैया अपने अपना कर लो, ज्यादा अच्छा है। तुम अपना करो जो तुम्हें समझ में आए, मैं अपना करो, तुम माँ बाप के पास चली जाओ, अपना माँ बाप ने शादी इसलिए की थी कि उनके पास जाके रहो। यही लग रहा है कि हम दोनों का बिल्कुल नहीं हो सकता है, कि तुम मेरे पास अब मत आना, कोई जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ देख लो, मैं अपनी लाइफ देख लेती हूँ। यार आपको अचानक से हुआ क्या? यार मेरी समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्यों इतनी छोटी सी मोटी नोक झोंक चलती रहती है पति-पत्नी में, इतना बात खींचने की क्या जरूरत है बात बढ़ाने की? नहीं इसको नोक झोंक नहीं बोलते यार, इसको नोक झोंक नहीं बोलते, नोक झोंक मुझसे तो तुमने दिमाग खराब कर दिया। ये बोल रहा हूँ कि तुम सुधरोगी या नहीं सुधरोगी बताओ, तुमको सुधरना ही नहीं। मैंने क्या किया मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो बस टू मच यार, मजाक बहुत मजाक कर लिया, मतलब लाइफ में खुद मजाक बन गया तुम्हारे साथ रह के, मैं हर बात को देखो, हर बात को खींच के ऐसा इलास्टिक जैसे, मतलब टायर रबड़ हो, रबड़ जैसे खींचती है, हालांकि जिंदगी भर की मतलब दुनिया भर की बातें रहेगी, गलती नहीं भी होगी तो पूरी गलती बताओगे तुम हमेशा, मतलब 6-7, 4 साल पहले जो भी गलती कभी लाइफ में अगर मैंने की होगी तो वो गलती आज वो करके तुम्हारी सारी गलती माफ, तुम खरीदने कुछ जाओगी करके कुछ आओगी, पूरे पैसे की मतलब लंका लगा दोगी, आदमी मतलब क्या बात, मतलब पैसेंजर ट्रेन बन गया है, कोई भी आए सर पे चढ़े और उस पे निकल जाए, मतलब पागल हो गए हो। कोई भी कैसे आए, मैं ही चढ़ती हूँ ना, मतलब हद है यार, पति ऑफिस से आके थक के आता है, कम से कम बीवी उसका ध्यान रखे, कभी आज तक सिर दबाया है पौधा देती हूँ? तुम नाटक मत करो यार, तुम्हारा रोज का नाटक मुझे नहीं दीजिए, और क्या दबा, तुम्हारे गला में दबा दूं मैं, दबा देती हूँ, ना क्या जबरदस्ती का गुस्सा करते बेकार मुझे मुझे चलो सॉरी ध्यान रखो। अरे सॉरी हुई नहीं, अब मैंने सोच लिया है कि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, बस मतलब नहीं मैं गिव अप कर रहा हूँ। अरे तो सिर दबा रही हूँ ना, गिव अप क्या कर रहे हैं? नहीं मुझे मुझे नहीं, अलग अलग काम करते हैं, तुम अपनी अलग लाइफ देख लो, मैं अपनी अलग लाइफ देखता हूँ। हाँ तो होती है यार किसी चीज की, इतना कोई इरिटेट करता है किसी को हर बात को, मतलब तुम पहली औरत होगी, मतलब दुनिया में तो औरतों को कोई संतुष्ट कर ही नहीं सकता, और तुम ऐसी औरत हो जो कभी पति से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती, ना पैसे को लेके, ना खाने को लेके, ना घूमने को लेके, ना किसी चीज को लेके, मतलब साला मैं महीने की सैलरी नहीं आती उससे लंबी तुम्हारी लिस्ट होती है, और हर चीज को अगर कहीं भी पैसे दे दिया, किसी फ्रेंड पे खर्चे कर दिया, कुछ कर दिया, तो तुमको क्या लगता है कि मतलब जैसे सारा तुम्हारा ही कॉपीराइट, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम मतलब नौकर है। देखो फाइनली यही है कि तुम अपनी लाइफ जियो और हम अपनी लाइफ जिये, तो इसीलिए मैंने आज तय कर लिया है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहता, ठीक है? ये लो पढ़ो, मैंने साइन कर दिया, तुम कर दो। ओह नो, अरे जो भी है यार मुझे मुझे नहीं पता, ठीक है ना, पढ़ी लिखी हो तो पढ़ लो, हर बात पे कुछ नहीं होता। अब उठोगी कि मतलब भसक के बैठ गई, ये क्या है? अंग्रेजी मतलब हिंदी नहीं आती थी, तो हिंदी आती थी इतना पता था, अंग्रेजी भी नहीं आती, दोनों नहीं, मैं तो अनपढ़ हूँ बचपन से, मुझे पढ़ने नहीं आता। अल्लाह मत करो, डाइवोर्स के पेपर है, चुपचाप मुंह बंद करके साइन करो। मजाक चल रहा है? नहीं मजाक चल रहा है, मैं डाइवोर्स दे दूँ? ये लो रखो, खुद करो साइन, मेरा भी साइन बना के डालो। हाँ तो मैंने कर दिया, मेरा भी साइन बना रहा हूँ, कर लो डाइवोर्स। तुम साइन कर रही हो? नहीं कर रही साइन, क्या डाइवोर्स दे देंगे? मजाक कर, मुझे नहीं रहा।
मुझे तो रहना ना, आपको ही रहना तो। अरे यार इतनी मेहनत से मतलब सारा मैं लेके आया हूँ यार, लॉयर से बात कर ली, सारा सब कुछ क्लियर हो गया, तुम साइन कर दो, उसके बाद वहां जाकर मैं पिटीशन फाइल कर देता हूँ, बस हो गया इनफ। दो लोग शादी करते तो मैंने आपके साथ पेपर में शादी नहीं की थी ना, तो मैं कैसे पेपर में आपको डिवोर्स दिया? पंडित को बुलाऊंगी, पंडित को बुलाइए, पूरा एकदम बैंड बाजा बारात के साथ शादी आएगी, मैं इधर तैयार होके आऊंगी, पूरे खर्चे होंगे जैसे शादी में हुए थे, उसके बाद होगा तलाक, ठीक है? ऐसे में तलाक पेपर में, ना मैंने शादी की थी ना पेपर में, बंद करो। हेलो, शादी ऐसे नहीं होती पेपर में साइन कर दिए, शादी हो गई, इसमें साइन कर दिए तो डिवोर्स हो गया। डायलॉग ना मारो, मैं पिन ये लो, मुझे नहीं करना कोई डिवोर्स हो। अरे तुम जाता रही छोटी, सुन लो यार तुम, मतलब मजाक बना के रख दिया तुमने, मैं जितने बोलू उतना करो, साइन करो। मजाक मैंने बनाया कि आपने बना दिया? साइन करोगी? नहीं कर रही। नहीं कर, क्यों करो साइन? नहीं करना, नहीं करना, क्या चाहिए? पेन कहाँ रख दिया मेरा? मैं पेन लेके आया था, वो रखा है। मतलब तुम, मतलब पेन लेके आए थे वो भी नहीं पता यार, प्लीज। लो इसको पकड़ो, साइन करो, साइन। मैं कोई साइन वाइन नहीं कर रही। तो नहीं कर रही तो मैं काम करता हूँ ना, मैंने पेपर में शादी की थी ना, पेपर में साइन करके तलाक लेने वाली हूँ। जल्दी बारात लेके आई, फिर से वैसे ही तलाक हो गया, जैसे शादी हुई थी वैसे। ठीक है ठीक है, मतलब पतियों का वो समझ लेना तुमको लगता है अगर, तो ठीक है चलो खत्म करो। क्या लगता है? मतलब बाहर में जाओ तुम। किसे बाहर में जाऊँ मैं? अरे प्लीज यार, मैंने किया क्या? मेरे समझ में नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी बात को क्यों? तुमको लगता है दो लप्पड़ मार देगी? हर बात पे होता है, इरिटेट कर देती तुमको, इतना इतना कोई करता है क्या जितना तुम कर रही हो? मतलब चुपचाप बोला साइन कर दो, उसमें भी लड़ रही है, हालांकि उसको उसमें भी रियलाइज नहीं है कि हाँ मेरी गलती है, चलो गलती करती हूँ, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूं, कभी ना करो तुम भाड़ में जाओ। मैं साइन क्यों करूं? निकल लो मेरे घर से, पेटी उठा के अपनी। और आपकी हिम्मत कैसी हुई है डिवोर्स पेपर लेके आने की? हिम्मत का भी भगा दूंगा यहाँ से घर में। क्यों लेके आए? ये छोटी छोटी बात के लिए डिवोर्स दिया जाता है? निकलो यहाँ से यार, मुझे तो बस जा रही हूँ, भाग जाओ यहाँ से, जा रही हूँ, सामान पैक करती हूँ, अपना बेटा लेती हूँ, जा रही हूँ, बहुत जा रही हूँ, जाओ। A few moments later. मुझे नहीं जाना। तो कौन बोल रहा जाओ तुम? तो आप क्यों मुझे डिवोर्स दे रहे हैं? निकल जाओ मेरे घर से। नहीं जाऊंगी, सॉरी, मैं सॉरी बोल रही हूँ ना, ध्यान रखूंगी अभी। कितनी नौटंकी हो तुम, ध्यान रखूंगी, सॉरी माफ कर दो ना, गलती नहीं करूंगी। तुम्हारा गला दबा दूंगा। ए मुझे बड़ा बुरा लग रहा था, मैं आपको जोड़ के कहा जाऊंगी? अरे तो कहा जाऊँ, मैं छोड़ के आऊंगा ना तुमको, इतनी रात में आदमी साढ़े बारह एक बज रहे हो गया तुम्हारा? ध्यान रखोगे सही पे? आगे मत बिल्कुल भी लड़ाई करोगी, और मुझे नहीं जाना, आपको छोड़ के मैं। कान पकड़ो, कान पकड़ो भाई से, कान पकड़ो, ठीक है ठीक है। क्या बाद में लिबोन लगाया क्या? लिबोन के डिस्कशन हो रहा है कि तुम सॉरी बोल रही हो, बोलो। तो आप बोल रहे हो पैसे खर्चे करके, तो बता रही हो ना कि झाड़ू की सच्ची मौत मिल रही है। मुझे पता है कहाँ खर्चे करते हो, तो चलो आपको। चलो।
मैं मजाक कर रहा था। देखो जब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और डेफिनेटली आपने काफी एंजॉय किया ही होगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ वीडियो बने रहे देखते रहे इनक्रेडिबल आयाज। अरे देखो मजाक कर रहा यार। अरे इतना मत बोलो। सॉरी ना चलो मैं सॉरी। अरे जुनू सॉरी ना यार मैं मजाक कर रहा था। देखो वीडियो बन रहा है यार तो तुमको कुछ समझ में नहीं। हम लोग प्रैंक नहीं कर सकते क्या? अरे मेरे किसी व्यूअर ने हमें एक अच्छा सा सजेशन दिया था कि एक डाइवोर्स प्रैंक करो तो गाइज आपने देखा कि हमने डाइवोर्स प्रैंक किया और ये डाइवोर्स प्रैंक मेरे ऊपर उल्टा भारी पड़ गया। तो ओके गाइज मैं देख लूंगा डील कर लूंगा जो व्हाट अबाउट यू वांट। सो लाइक सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।